ओम शांति। विज्ञान के बारे में बाबा ने बहुत सुंदर गहरी बात कही थी। ये विज्ञान धीरे धीरे रिफाइन होता जाएगा, रिफाइन परफेक्ट संपूर्ण होगा विज्ञान। जब ये विज्ञान संपूर्ण होगा, पहले तो इस विज्ञान का प्रयोग ईश्वरीय सेवाओं में होगा, अब हो रहा है। जब ये विज्ञान संपूर्ण होगा तो ये संपूर्ण विज्ञान अपूर्ण संसार का विनाश करेगा, और जो संपूर्ण संसार आएगा उसके लिए काम करेगा। तो वैज्ञानिक यही पुष्पक विमान बनाकर लेके जाएंगे। जो कुछ शरीर में काम आने वाली चीजें हैं वैज्ञानिक खोज करके यही निर्माण करेंगे। तो ये बहुत सुंदर अवसर हमारे हाथ में है, जब हम योग की शक्ति भर कर स्वयं को महान बना लें और संसार के काम आ जाए। अब हमें फिर से बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, 10 मिनट रोज सभी को अपने को देने हैं, अलग से निकालो, आत्मा के एक एक गुण की अनुभूति करें। किया था और फिर से चलें, शाम आत्मा पर एकाग्र करें। अपना स्वरूप बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, देहे जैसे की है ही नहीं। मैं चमकती हुई तेजस्वी आत्मा प्रकृति की कुटिया में रहना, मैं बहुत बहुत शांत हूँ, शांत। मुझसे चारों को शांति की किरणें चल रही हैं, किरणें चलती देखें। मैं शांत मैं बहुत सुखी हूँ, बाबा को पाकर मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं संपूर्ण सुखी हूँ, ईश्वरीय सुखों से भरपूर हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ, बालक का प्यार पाकर मैं आत्मा निहाल हो गई उसके प्यार में। मेरे सभी कष्ट हो गए, मेरे चित्त में संसार की सभी आत्माओं के लिए बहुत प्यार है। मेरा चित्त प्रेम और सद्भावनाओं से भरा हुआ है। मैं परम पवित्र, पवित्रता की देवी हूँ।
पवित्रता का परिस्तर मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें चल रही है।